आखिर में मैं जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में क्या तुलना है, क्या बराबरी है? एक शहर नुमा प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह पूरे अधिकार भी नहीं है, जो बात बेबात केंद्र सरकार की तरफ ही देखने को मजबूर हो और जो एलजी के नीचे काम करता हो, ऐसा मुख्यमंत्री ये कहे स्टेज से, मंच से, रैलियों में कि साहब मेरे और मोदी जी के कामकाज की तुलना कर लीजिए और मैंने बेहतर काम किया है नरेंद्र मोदी के मुकाबले, इसको आप कैसे देखेंगे? सर, आपने कहा कि कंपैरिजन करी है, तो मैं ये कहूंगा कि एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और एक मैनेजमेंट ट्रेनी के बीच में आप कंपटीशन कर, ये कंपनी का एमडी और एक मैनेजमेंट ट्रेनी जो अभी ट्रेनिंग भी ढंग से पूरी नहीं ले रहा है और उसको ये पता है कि मैं आईआईटी पास करके आया हूँ, मुझे सब ज्ञान आता है, ऐसा बहुत सारे हमारे साथ के लोगों में हो जाता है। मैं भी आईआईएम अहमदाबाद से ही हूँ, तो हमारे जो आईआईएम और आईआईटी के बच्चे हैं ना, हम लोगों को बहुत जल्दी ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें सब पता है, क्योंकि हमारे नाम के आगे ना डबल आई लिखा होता है, मतलब आई एंड आई, मतलब डबल ईगो प्रॉब्लम है हम लोगों की, तो ये बात समझनी पड़ेगी। रही बात दूसरी की, जहां तक बात है दिल्ली और गुजरात की, निश्चित रूप से कंपैरिजन कर लीजिए। गुजरात की आबादी, गुजरात का एरिया, गुजरात की पॉपुलेशन, गुजरात की जिम्मेवारियां, गुजरात के बाकी चैलेंजेस कंपेरेटिव टू दिल्ली। दिल्ली में आपको शीला दीक्षित जी ने बना बनाया सब कुछ दे दिया था, आप उसको मेंटेन तक नहीं कर पा रहे हो, और क्या जी मैंने सब कुछ कर दिया। अरे कर दिया तो यार उसका एड्रेस, नाम, पता डाल दो ना वेबसाइट पे कि कितने नए स्कूल बनाए, कहाँ बनाए, उसका पुराना फोटो डाल दो, आप तो पूरी जिंदगी फोटो खींचते रहे कि 14 में उस स्कूल की कंडीशन क्या थी और आज क्या है, विटनेस ले आओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, बोलते रहने की क्या जरूरत है, और जनता देख रही है। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये बात कहने में कोई बुराई नहीं है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया होता तो आप आए किस लिए थे दिल्ली पे, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि मैंने खराब काम किया, ये तो मजबूरी है आपकी, राजनीतिक मजबूरी है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, इसके अलावा आप मतलब ये इसके अलावा आप क्या बोलते कि मैंने अच्छा काम किया, कोई पॉसिबल ही नहीं है इसके अलावा कोई दूसरा स्टेटमेंट। बाकी दिल्ली में रहने वाली जनता को समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज तक दिल्ली में 8 साल में पार्किंग सुधारने की, आज तक दिल्ली में ट्रैफिक जैम नहीं सुधरा, जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ वो मेट्रो ने किया, जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो रहा है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने शीला दीक्षित के टाइम पे कॉमनवेल्थ में हुआ, या आजकल G20 के चक्कर में जो दिल्ली में सुधार हो रहा है वो मोदी सरकार करा रही है, इनमें इनका क्या योगदान है। इनका जो योगदान है हॉस्पिटल्स के अंदर, आज भी अभी चल लीजिए मैं आपको हॉस्पिटल्स की कंडीशन दिखा देता हूँ, पेशेंट्स के बैठने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल में मशीनें काम नहीं कर रही हैं, बेड कवर्स नहीं है, इस गर्मी के मौसम पे आप जाके कैजुअल्टी में देख लीजिए, एक एक ही बेड पे तीन तीन लोग पड़े हुए हैं और वहां का एसी काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स की हालत खराब है। तो किया क्या है, मेरे को केजरीवाल साहब बता दें कि पिछले 15 दिन में वो किस किस हॉस्पिटल में विजिट करके आए, कम से कम वहां के कैजुअल्टी और ओपीडी और जनरल वार्ड की आप कम से कम फोटो ही दिखा दो। आज तक केजरीवाल की किसी हॉस्पिटल में जाते हुए आपने फोटो देखी, किसी स्कूल में जाते हुए फोटो देखी? तो सवाल ये है कि आप जब इतने फोटो सेवी हो, लेकिन आप एक हॉस्पिटल में गए हो, ओपीडी में बैठे हो, पेशेंट से बात करी है, बता दो ना कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, और हम भी देखाते, तो हकीकत सबके सामने है, जनता रोज देखती है। लेकिन ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, जनता को अपना काम करना है, तो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए सारे पॉलिटिशियंस का अपना अपना काम चलता रहता है, उसमें केजरीवाल भी एक है।